मतन धंधा तो ओवर टाइम थोन में दिनो वने ये सब लेबर कोड जो काम ने तापोस नहीं सके थी हाने 2010 वाले कानून जी 2012 वाला जो कानून टोटली लेबर लॉ के खिलाफ हो और मजदूर ने को भी तापोस ना हो इन हिसाब सा तो असिस्टेंट डायरेक्टर हर उनी फैक्ट्री के मालिक के फैक्ट्री के चालान कर सके तो सीज कर सके तो जे कदे उनके प्रमाण न था रखन या जका उनन जो तरीकेकार है पेमेंट करण जो बैंक अकाउंट जरिए ना है तो चालान थी सकें थी सीज थी सकें थी अगे ये ऑर्डिनेंस जे के हुंदा हुआ वे वफाक के जुमरे में हुंदा हुआ हाने लेबर जो जो को शोबो है मजदूरन जो जो को शोबो है अरणी तरनीम का पोए कुछ चेंजेस उन्हें में आई है या अन्या वफाक पटी है ना अन्या भी वफाक वटा है अन्या वफाक अन्या वट वफाक वटा है टोटल चेंजिंग ना यत के फ्रांस वाइज जो को लेबर लॉ है पर इहो थियो आ ऑर्डिनेंस या जे कोनी में इंडस्ट्रियल रिलेशन ऑर्डिनेंस उन्हीं में थे तो सिंध इंडस्ट्रियल ऑर्डिनेंस जो को एनर्जी जी सिंध असेंबली पास हुआ पर टोटली उन्हीं तो कंट्रोल अन्या कुछ मतलब वफाक वट वफाक वट भी आया ठीक है जी हाने से इहो ता नाजरीन ने बताया जो पान लेबर या मजदूर चों के खे था जो वजह चाहे जो अलाई कंफ्यूजन आवाम में यह होंगी है तो सर्विसेज जो कानून कोर्टू अलग हैं लेबर जो कानून कोर्टू अलग हैं हाँ लेबर सर्विसेज में थोड़ो डिफरेंशिएट कर मजदूर उन्हीं दायरे में कार में अचे तो जैसे सुपरवियन जा पावर ना है जैसे मोकल किनार करण में पावर ना है हर वो माओ फैक्ट्री में कम करे तो या कें भी इदारे में कम करे तो मजदूर इवन बैंक में मैनेजर जो का नेचर ऑफ ड्यूटीज देख ले हाथ से कम करे तो वो भी क्लर्क की कला कम में जो हाथ से लिखण पढ़ण जो कुछ जो पान करे तो वो नेचर ऑफ ड्यूटी के हिसाब से भी वर्कर डिक्लेयर थी दो मैनेजर इवन बैंक जो प्राइवेट बैंक का इवन गवर्नमेंटरी बैंक का नेचर ऑफ ड्यूटीज जे एविडेंस दे रही थी कोर्ट में तो ही डिक्लेयर कोर्ट के करणो आ ही लेबर लॉ में एप्लीकेबल थे तो इनो केस उन्हीं फाइल करे तो या न थो करे जेको मजदूर आ एको आ 5 ग्रेड में आ 7 ग्रेड में आ 10 ग्रेड में आ यो भी जरूरी ना है तो जेकने 16 ग्रेड में आ तो ग्रेड बराबर 16 हुआ पर उन्हीं नेचर ऑफ ड्यूटीज दिठी वेंदी तो वो क्लर्क की कम केड़ो तो कम केड़ो तो करे उन हिसाब से वो लेबर लॉ में फॉल तो करे माना जेको मानो भले केहे भी ग्रेड में होजे पर उन जो मैनुअल कम है हाथ से लिखण वारो कम है हाथ से करण वारो कम है आई उन वटी इख्तियार कोने के खे छुट्टी दे छुट्टी दे सके से डायरेक्ट अपॉइंटमेंट करे सके डायरेक्ट ट्रांसफर पोस्टिंग करे सके तो वो ऑफिसर लेबो जो डायरेक्ट ट्रांसफर पोस्टिंग कंदो उन हिसाब से उन्हें के पांडे पर हंदा से हाने वरी गदोगद इहो ब आहे त सा बुझनायो खेत मजदूर जे के उए टेंडेंसी एक्ट में तो कोन इंदा चा उनन के इन लेबर लॉ जे कानून जी सहूलत हासिल है या ना ना उन्हें छा का त जिथे भी 16 का वधिक मा फैक्ट्रीज एक्ट मुताबिक कम कन था वा नंडी मिला वडी मिला या को ते अदारो आ उन्हीं जिला है ही मा लेबर कानून ने जे ले जिथे फैक्ट्रीज एक्ट में जो डेफिनेशन आए फैक्ट्रीज एक्ट में जी त उन्हीं में जे राइस मिला जेकर उते 10 का वधिक मजदूर कम कन था उते लेबर लॉ एप्लीकेबल आ ठीक आ वो जो को है 12 महीना हले तो या सीजनल हले तो उते लेबर लॉ एप्लीकेबल तले हंदो एकड़ो मानो आ तो उन जो सिरन जो बठो आ उते मानो कम कन था 8 दिन हले 10 दिन हले 5 मंथ से आया 5 मंथ से आया उते जो को है लेबर लॉ एप्लीकेबल ना है उनी जो ऑर्डिनेंस उन जो एक्ट भी अलग है इहो लेबर लॉ में डेफिनेशन आहे त फैक्ट्रीज एक्ट में डेफिनेशन में क्लियर लिखियो आहे त लेबर लॉ किथे किथे एप्लीकेबल आहे मतलबु कहिड़नि कहिड़नि अदारनि में थी सघे फैक्ट्री एक्ट 1934 बिल्कुलु ठीकु आहे अच्छा हाणे वर्कर ऐं वर्कमैन इन्हीअ जे बारे में तव्हां रोशनी विझो त इन फैक्ट्री एक्ट वारी साॻी ई डेफिनेशन खणंदासीं ऐं मुख़्तलिफ़ स्टैंडिंग ऑर्डिनेंस जेको हूंदो आहे जी उहो फैक्ट्रीज एक्ट में डेफिनेशन में उनमें सब क्लास हूंदा आहिनि ठीकु आहे त उन में डेफिनेशन ॾिनल वर्कर ऐं वर्कमैन जी डेफिनेशन छा आहे ठीकु आहे उन में लिखियल आहे टोटल ठीकु आहे हीउ वर्कर आहे हीउ वर्कमैन आहे जॾहिं वर्कर ऐं वर्कमैन जी जेका एविडेंस हिन कोर्ट में अचे थी ऐं उनजे अपॉइंटमेंट ऑर्डर में बि लिखियलु हूंदो आहे त उनजो नेचर ऑफ ड्यूटी जो वर्क छा आहे तरीक़ेकार छा आहे उन में इहो जेको आहे वर्कर ऐं स्टैंडिंग ऑर्डिनेंस अचे थो पियो लेबर लॉ में त एसो उन ते लॻे थो एप्लीकेबल आहे या न आहे कहिड़े तरीक़े सां स्टेट्यूटरी ड्यूटीज़ कहिड़ी आहे उन हिसाब सां उन हिसाब सां इहो थिए थो हाणे तव्हां इहो फरमायो त अगरि जे कंहिं बि मज़दूर खे नौकरी मां कढी थो छॾियो वञे टर्मिनेट कयो थो वञे त पोइ हू डायरेक्ट लेबर कोर्ट में अची सघे थो ईअं तव्हां फरमायो पहिरियों उनखे टर्मिनेशन ॿिनि क़िस्मनि जी आहे ठीकु पहिरियों त विदाउट एनी रीज़न जेकॾहिं टर्मिनेशन कयो थो वञे त हू डायरेक्ट लेबर कोर्ट में वेंदो कंहिं बि वजह ॿुधाए बग़ैर अगरि उनखे नौकरी वजह न लिखनि लिखनि त तव्हांजी सर्विस असांखे रिक्वायर्ड न आहे
तां घर लिया वनो ठीक है को एलिगेशन न थियो त उनी में पो डायरेक्ट लेबर कोड में दो सही जे कने मुंजी सर्विस रिक्वायर्ड न है तो पो या फैक्ट्री बंद थी या योदारो बंद थियो या ब्या मानो रखदा मुखो कडी करे मैं एक्सपीरियंस पर्सन आया इयो को लेबर कोड डिक्लेअर कर दिया ता इनके गैर कम्युनिक कर दिया वरी भी इयो ही कम करो बियो होंदवा के ते चार शीट आ चार शीट जो तरीको आ तो वतो है गलत कम कयो तो जे खिलाफ इंक्वायरी आई चार शीट आयो उन जो जवाब वठो फाइनल इंक्वायरी करे उनके फाइनल ऑर्डर नी दो अगर वो एग्रीड हो फाइनल ऑर्डर में तो वो पांजो जो को है डिपार्टमेंटल अपील भी कंदो 15 दिन का पोरी ग्रीवेंस नोटिस दिंदो विद इन 1 मंथ कोर्ट में लो से हाने आ फरमायो तो अगर जे उनके चार शीट बुधायो तो वन्या दा तो ते ही इल्जाम है तुन जो जवाब दे उने जवाब का पोए उनके कढ्यो तो वनी फाइनली तो पोए के आहे यही सेम रेमेडी 15 दिन के अंदर कोर्ट में वने 15 दिन के अंदर अपील कंदो एक थे कंदो से जेकर फर्ज कयो तो मैनेजर आ फैक्ट्री जो या जनरल मैनेजर आ जेको उन जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी आ उनके अपील कंदो उनके सीनियर तो मुझे खिलाफ इल्जाम आ इंक्वायरी आ या मुझे खिलाफ इल्जाम गलत आ मुझे ग्रीवेंस रेड्रेस कयो न तो मां पो कोर्ट में वेनो उनके पो 15 दिन पो ग्रीवेंस नोटिस वेंदो तो बाबा मुझे ग्रीवेंस या ग्रीवेंस नोटिस ही थियो सी ना डिपार्टमेंटल अपील अलग वो अलग थी डिपार्टमेंट अपील खा पोए वरी डिपार्टमेंटल अपील कंदो महीने के अंदर ठीक है महीनो इंतजार कंदे जेकर उनी छोटी का विद इन 1 मंथ वरी ग्रीवेंस नोटिस दिंदो 15 दिन के अंदर आए अब अपील अगर डिपार्टमेंट अपील जो फैसलो अच्छी हो तब हिम कर सके तो हां जेकर नदी आयो तो वेट ना करो वो देन देर पर ग्रीवेंस नोटिस ठीक है ग्रीवेंस नोटिस के खेदिंदो हेड के या जे पेरी इन के को अपॉइंटिंग अथॉरिटी आ उनी के उनी के नोटिस दिंदो तमा कोर्ट में वंजा तो मुझे एतन दिन में ता 15 दिन के अंदर 15 दिन ठीक पो उनी का पो ही 15 दिन का पो जेकर इन में ग्रीवेंस रेड्रेस थी ठीक है अदरवाइज ही डायरेक्टली लेबर कोर्ट में पर केस दाखिल कर दो तो अच्छा से हाने लेबर कोर्ट असा के बुधाए जो अच्छा लेबर कोर्ट हर जिले हेड क्वार्टर में मौजूद है आम मानो मिसाल के तौर पे जेका बाबा जो को दोस्त प्रोग्राम बुधंदो हो जे उन सा यो वेधन हो जे तो डायरेक्ट उते ही बनी सके तो या सिर्फ कराची में इन केडी केडी जाइन ज्यूरिसडिक्शन बुधाए जो डिवीजन वाइज जे कैन डिवीजनल कोर्ट हुआ है तो असा वट 7 लेबर कोर्ट इन टोटल सिंध में 8 लेबर कोर्ट हुआ है 5 लेबर कोर्ट हुआ है कराची डिवीजन में 1 लेबर कोर्ट है हैदराबाद डिवीजन में एक लेबर कोर्ट है सखर डिवीजन में एक लेबर कोर्ट है लाड़कान डिवीजन में सो इन हिसाब से टोटल 8 लेबर कोर्ट वो सेशन जज हूँ जो वो सेशन जज भी थी सकता है लेबर कोर्ट जहाँ प्रिजाइडिंग ऑफिसर उन्हें सदी वो सागे नोवेद जो ग्रेड की पोस्ट है उतो जज ही वो कम कर लेबर लॉ मुताबिक पर डिठो यो वो है जहाँ एविडेंस कोर्ट में केस अचे तो उनके पढ़ी उनके केस हलए आदि पुछा थी बाकी जरा थी उन्हीं फैसलो है हर उन दोस्त के जिले में कें का सहूलत को फर्ज कर जे कमबाद में दोस्त वेठो तो केस कोर्ट में दाखिल करे सहूलत को इन्हीं के दोस्त के जे कमबाद वाले के कंद कोट वाले के शिकारपुर वाले के लेबर कोर्ट लाड़काना ये नौशरो फिरोज नवाब शाह या जगह खैरपुर घोट की उन्हें सखर रखना पवन ये थी पावर जी उठ दिन सेशन जजेस या एडिशनल के कोन ना ये शायद गवर्नमेंट जो है ऑर्डिनेंस जो भी आया है इवन इन लेबर कोर्ट जो अपॉइंटमेंट थी क्लर्कन की स्टूडेंट की जो भी स्टाफ अपॉइंट हों वो लेबर डिपार्टमेंट कह गवर्नमेंट ऑफ सिंध अच्छा हाईकोर्ट को ना हाईकोर्ट न अच्छा सजो लेबर डिपार्टमेंट कह उनका प्रोमोशन भी वो लेबर कोर्ट में जेके भी मुलाजिम हूँ जो प्रमोशन में राइट हों वो भी लेबर गवर्नमेंट सिंध गवर्नमेंट जो अदारो उ ठीक है से हाँ अगते हाँ तुम इोह बुधाज असानी अची वही हली लेबर कोर्ट में एप्लिकेशन उनके लेबर कोर्ट वो टाइम पीरियड मुख्तस है तो एतरे दिन में उन्हें केस जो फैसलो दियण है जो हाँ पे ला हो विद इन 30 डेज असन में फैसलो करो लेबर लॉ में उनमें 2 महीना 6 महीना ना हलो केस पर जो हाँ नव कानून आयो 2010 इन पॉइंट से साइलेंस आ पर हाँ पर उन्हीं जो इंटरप्रिटेशन यही थी सके थी तो लेबर लॉ जो मजदूर जो कानून आ वो स्पीडी जो डिस्पोजल केस में अच्छा खे सागो ही वो एप्लीकेंट अगर साइलेंस हों तो उनमें यो पीरियड ना आयो केतरे विद इन 1 मंथ विद इन 2 मंथ विद इन 3 मंथ यो लिखल ना है स्पेसिफिक पीरियड ना है पर थियो ही है लेट में लेट भी वध में वध 6 महीने में केस डिस्पोजल थी ना लेबर कोर्ट में सिविल कोर्ट वारा ही पावर रहे समन या वारंट इशू बिल्कुल बिल्कुल सिविल कोर्ट जा इवन क्रिमिनल एक्शन भी थी सके तो सपोज त कोर्ट ऑर्डर कयो तो इनके रीइंस्टेट करनो आ इनके वरी पेनी जाए थे याद रखो के सब ने करे केस उनी फेवर में भी रीइंस्टेट न थिंदो तो कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट जा पे पावर है
कैनवा केस दाखिल करण जा भी पावर आहे अच्छा है एफआईआर भी उन एफआईआर भी थी सके थी उन जका अच्छा सपोज एकरो मजदूर आ उन के परमानेंट रखे हुआ या यूनियन आ लीगल आ आ यूनियन जी इलेक्शन आ जेकरे उन में मालिक जो का फैक्ट्री जो के भी चक्कर करे उन दरवाजा मजदूर ने बंद करे तो अनफेयर लेबर प्रैक्टिस जो केस दाखिल थी अनफेयर लेबर प्रैक्टिस जो क्रिमिनल केस हुंदो है उन दी पनिशमेंट थी दी है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो सागा पावर सिविल कोर्ट को भी वधिक पावर है लेबर लॉ में लेबर कोर्ट के तमाम घणो असा की शिकायत मिल दी है वक्तन सा वक्तन त मानुन के पक्को नथो कयो वने एड़ा केसेस जो 16 साल मानु जॉब ता कन अमा बुदायो त उनमें को प्रैक्टिस जन 15 दिन का पोया 3 साल जे मुद्दे का पेरी पेरी उनने कढी वरी उनन के रखियो विंदो या वर्क चार्ज से रखियो विंदो वर्क चार्ज ते जने रखियो तो वने जे करे वो मजदूर ट्रेन में वधी कम करे हो ना उन जो राइट आ पक्को वर्क चार्ज से वर्क चार्ज ते यो से अंडर इंडस्ट्रियल रिलेशंस ऑर्डिनेंस 2010 तो उन्हीं के ट्रेन में का मन थे जिकने आए तो उन्हीं के उते पक्को करणो है बी सूरत यह है तो जिकने वो पक्को न थियो आ तो उन्हीं जो राइट है तो लेबर कोड में वही पांच केस दाखिल कर दो सही है मां एतरे वक्त नौकरी कया तो पियो ही मान के दरखा दिया मके पक्को न ता कन उही सागो केस नोटिस दे लेबर कोड में हले अच्छा नोटिस ने में ने नोटिस जो को जरूरी है नोटिस जरूरी है पर वो सी नोटिस मैंडेटरी प्रूव है ना वो नोटिस जो ता बताया ना उन्हें जो टाइम पीरियड देना लगे ना देखो मानो जो पक्को न थे तो उन ले टाइम को नहीं ले कोने कितने महीने महीने 5 महीने 6 महीने साल में बिन साल में हर वक्त कम के आनो जाते मुके पक्को को उन्हें ले टाइम पीरियड को उन्हें ले टाइम पीरियड टर्मिनेशन का पो जो एक्शन थे फाइनल ऑर्डर जो को थे जेको भी ऑर्डर चैलेंज को मजदूर फाइनल ऑर्डर कोई भी उनके मिल दो एग्री चाहे के भी फाइनल ऑर्डर था वो विद इन 1 मंथ चैलेंज करवा प्रमोशन जो आ टर्मिनेशन जो आ पगार घटाई हुई या पगार बंद कई हुई या जो कंपनसेशन जेको भी आए उन हिसाब से थे अच्छा जेके रोज जी तनख्वाह ते हुंदा है जेके पान डेली वेजेस जे चंदा है उने ते थोड़ो रोशनी विच जो उने जा कुछ हक जो तहफुज है लेबर लॉज में जी लेबर लॉ में उने के बे वधिक उने को भी तहफुज कोने डेली वेजेस आ जे एक्सीडेंट को केस थी पोए फैक्ट्री में तो पूरो कंपनसेशन जेको भी एप्लीकेबल थिंदो आ उनके राइट ऑफ फैक्ट्री में पूरो जी जेको पक्की मुलाजिम के मिलतो आ राइट वो भी डेली वेजेस मिलन खपे फल के उन जो एक्सीडेंट थी पे जंग मा या मा मर्डर थी वो सागु ही राइट जेको पक्के मुलाजिम के वो भी इनके है डेली वेजेस रखे वो उनके भरे देनो आ वदन नदी वा तो जेके उन जे अलाउंसेस जन कटे मुलाजिम जा वे ना मिलदा है जो है कम तो करे तो उन जो रिकॉर्ड जो मेंटेन न कयो वेंदो आ उनके लिखो ये हों कॉन्ट्रैक्ट से डेली वेजेस से आयो अज जरूरत होंगी सुबह न होंगी उनको वो राइट न बस ड्यूरिंग जो नौकरी दौरान कम कंदे मजदूरी कंदे जो एक्सीडेंट थे तो उनके भरे दिनों सजो जो राइट है ये पक्के मुलाजिम अच्छा बो सी सवाल यो तो अचे तो वर्क चार्ज मुलाजिम की आम बुधा 10 महीन का दरखास्त दी तो सके पक्के मिसाल 6 साल का अज पे प्रोग्राम डिठो कें दोस्त उनकी खबर पई तो मुख्य कानून हक दे तो वही कोर्ट में पक्के थे दरखास्त दई सका तो मुख्य 6 साल थी वह वर्क चार्ज से हाँ 10 महीन का कानून चे तो उनके पक्को कर उन जी मर कोर्ट में वींदो आई उन जे हक में फैसलो थियो तो छा उन के 6 साल अगे का पक्को तसव्वुर कयो जे तारीख ते इन के पक्को छण होदो जेका उन जी डेट जेका बींदी फर्ज के 10 महीनन का पोछणो तो कोर्ट लिख दी विथ बैक बेनिफिट विथ इफेक्ट फ्रॉम सो उनी तारीख अच्छा उनी तारीख में लगो सा तमाम इंपॉर्टेंट गाल ना दिन फर्ज 10 साल मजदूर जो केस तोले लेबर कोर्ट में नौकरी उन जी खत्म थियला तो जे अज बहाल थियो आ उन के 10 साल थिया तो बिन साल की पगार उन के भरे देन वही जैसे वो अपील उन मजदूर के खिलाफ थी तीन वो 10 साल की पेमेंट बोर्ड में जमा करें तद अपील जो है बुधन जोगी थी वरना अपील न थी सिमिलरली अगर प्रमोशन जो केस है तो प्रमोशन हाँ बैक बेनिफिट प्रमोशन जे डिफरेंस ठहन था उनका राइट है मजदूर केस खटी तो वे मालिक जैसे अपील कर चाहे या कोई भी अदारो अपील कर चाहे पैरों को इम्प्लीमेंट ये तो जो उनका राइटफुल पेमेंट है वह जमा थी कोर्ट में तरह जो अपील फैसलो अपील न तो इमीडिएटली पगारी मतलब हर महीने कोर्ट में भी हर महीने कोर्ट में जमा थी कोर्ट डिसाइड करनी ये हर महीने इनके पगार मिलन खपे इनके रीइंस्टेट का ऑटोमेटिक जो कम कदो वही वह उतने उनके फैक्ट्री में मिलती बाकी बैक बेनिफिट जो कोर्ट में जमा होंगे मजदूर चुनाव मुख्य जो बिन साल में बेरोजगार रहा मुख्य वो वही इंतरिम एप्लीकेशन थी उनमें भी डिस्पोजल थी सकता है ठीक है सर दिलचस्प तमाम गुफ्तगु है नाजरीन के पसंद इंदी होंगी जरूर हाँ असा के इो सी बुधा जो तो लेबर कोर्ट जो फैसलो अची वो हलो बिन्हीं धुरन में मजदूर या मालिक इम्प्लॉयर जी अगर उन्हें मुतमइन को फैसले से तो अपील जो कड़ो फोरम है
विद इन 60 डेज जो कोर्ट उनके अपील करनी है हाई कोर्ट में ना सुआ है वरी सिंध लेवल पे ट्रांस लेवल पे सिंध लेबर एपीलेट ट्रिब्यूनल लेबर एपीलेट